दिल्ली के शाहीन बाग में मिला 350 करोड़ का ड्रग्स। शाहीन बाग में तालिबानी नशा। अफगानिस्तान से नशा कैसे पहुंचा भारत, देखिए कैसे भारत को खोखला करने की रची जा रही है विदेशी साजिश। तालिबानी नशे को भारत में परोसने वाला कौन? देश भर में 3000 करोड़ का ड्रग्स बरामद। अफगानिस्तान में तालिबान का राज आया तो बहुत से लोग सपोर्ट में उतर आए और पत्रकार अरफा खानूम ने तो गुड तालिबान की थ्योरी भी रख दी, लेकिन तभी से अफगानिस्तान में हुए सत्ता परिवर्तन का भारत पर क्या असर पड़ेगा, इस बात की चर्चा तेज हो गई थी। और ये कहा जा रहा था कि आतंकवाद के साथ साथ भारत में नार्को आतंकवाद भी बढ़ने वाला है और आज ही इसका उदाहरण देखने को भी मिल गया। दिल्ली के शाहीन बाग में 50 किलो हीरोइन जब्त की गई। पैसे गिनने की मशीन के साथ साथ 30 लाख का कैश भी जब्त किया गया और इस मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है। 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया जिसमें से 2 अफगान नागरिक हैं और इनका तार भी तालिबान से जुड़ा हुआ है और इसका मास्टरमाइंड जो है वो दुबई में बैठा हुआ है और उसके भाई की किसी भी वक्त गिरफ्तारी हो सकती है। वहीं अगर बात करें इस लिंक से जुड़े लोगों से बरामद हुए ड्रग्स की तो कुल मिलाकर अब तक NCB, गुजरात ATS, DRI कस्टम और दूसरी फोर्स ने 243 किलो ड्रग्स की खेप अलग अलग जगहों से बरामद की है, यानी करीब 3000 करोड़ की ड्रग्स अब तक बरामद कर ली गई है। और इन सभी के तार न केवल एक दूसरे से जुड़े पाए गए हैं बल्कि इन तमाम ड्रग्स सिंडिकेट के तार देश की राजधानी दिल्ली से आकर जुड़ते हैं। अब बात करते हैं कि कैसे अफगानिस्तान से तालिबानी नशा भारत पहुंचा। NCB के उप महानिदेशक संजय कुमार ने इस बारे में बात करते हुए बताया कि ये हीरोइन अफगानिस्तान से तस्करी कर दिल्ली लाई गई थी। ये ड्रग्स नगदी हवाला के जरिए भारत लाई गई है, ऐसा संदेह है। साथ ही ये ड्रग्स थैलों, जूट की बोरी और ई कॉमर्स कंपनियों के पैकेट में लपेट कर रखा गया था। ऑफिसर्स के अकॉर्डिंग दिल्ली में शाहीन बाग से जब्त की गई ड्रग्स अब तक की सबसे बड़ी जब्ती है। वही आपको बता दें कि पूरे विश्व में ड्रग्स और खासकर हीरोइन की सबसे ज्यादा यूं कहे तो 90% पैदावार केवल तालिबान में हो रही है और इस ड्रग्स का इस्तेमाल नार्को टेरर में भारत के खिलाफ किया जा रहा है। वही इस मामले पर भाजपा नेता कपिल मिश्रा का भी बयान आया है, सुनिए क्या कुछ उन्होंने कहा है। दिल्ली के शाहीन बाग में जो ये ड्रग्स पकड़ा गया है, अपराधियों के जो अड्डे सामने आ रहे हैं, ये वही बात साबित कर रहे हैं जो हम शुरू से कह रहे थे। CA विरोधी आंदोलन हो या ये सब जो दिल्ली में बंद करना और इस तरह का जो ये प्रोपेगेंडा चलता है, इस सब की फंडिंग जिहादी फंडिंग है। इन सब के देश विरोधी शक्तियों से, आतंकवादियों से कनेक्शन है। अब ये शाहीन बाग में जो अफगानिस्तानी नागरिक पकड़े गए हैं, तालिबान से इनका कनेक्शन निकल के सामने आया है। जहांगीरपुरी में जो लोग पकड़े गए, अवैध हथियार, सट्टा, नशा, इसका धंधा करने वाले लोग जो रामनवमी पे पत्थर चला रहे थे, ये जितने भी इस प्रकार के तथाकथित आंदोलन हो रहे हैं, इन सब के पीछे कोई ना कोई जिहादी फंडिंग, आतंकवादी कनेक्शन, देश विरोधी ताकतें, ये अब खुल के सामने आ रहे हैं। ड्रग्स, अवैध हथियार, इनका धंधा करने वाले लोग ये शाहीन बाग जैसे आंदोलनों के पीछे खड़े थे और अब समय आ गया है दिल्ली की इन बस्तियों में जहां ये घुसपैठिए रहते हैं, जहां ये अपराधियों के अड्डे हैं, इनको कुचला जाए निर्ममता के साथ। जहांगीरपुरी हो, चाहे शाहीन बाग हो, चाहे सीमापुरी हो, चाहे खुरेजी हो, इन सब जगह जो अपराधी छुपे बैठे हैं, नशे का कारोबार करने वाले लोग छुपे बैठे हैं, जो देश विरोधी आंदोलनों को फंडिंग करते हैं, इनके खिलाफ अब कड़ी कार्रवाई, ये दिल्ली की जनता की मांग है। मुझे लगता है कि शाहीन बाग का जो जहरीला सच था वो आज पूरे देश के और दुनिया के सामने आ चुका है।